हैवरी वन दिस इज योर फ्रेंड सौमित्र चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में वी टॉक्ड अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद हमने वर्ल्ड का माउंटेन्स देख लिया थे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसी के साथ हमने देख लिया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड मतलब माउंटेन्स कैसे होते हैं किस तरीके से माउंटेन्स बनते हैं तो उसमें हमने एक टाइप देखा था वॉल्केनिक माउंटेंस आज का टॉपिक जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं वॉल्केनोज है volcanoes.

सिंपल टर्म से समझो क्या है ये यह मोटा वाला पेन देते हैं पेन सही है हाँ ठीक है <coughs> नीचे ये क्या हो गया आपका क्रस्ट अच्छा यहां ज्वालामुखी फट भी है ये आपका हो गया क्रस्ट ओके okay. नीचे हमें क्या पता है क्या है मेंटल मेंटल है अब क्या हो रहा है मेंटल में हमें क्या पता है मैग्मा अच्छा और लावा में क्या डिफरेंस रहता rocks, है मैगमा इज बेसिकली मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स मिनरल्स ये एक तरीके से मैग्मा जो सेमी मोल्टन फॉर्म मोल्टन फॉर्म में जो आपके मिनरल्स वगैरह आयरन रॉक पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर है तो उसे हम क्या बोलेंगे मैग्मा अगर वो फट के बाहर आ जाता है एज

पायरोक्लास्ट ठीक है ये पायरोक्लास्ट वगैरह बोलते हैं और ये सरफेस में एक बहुत बड़ा सा गैस टाइप का क्लाउड टाइप का निकलता है और लावा आउट होने लगता है दिस इज कॉल्ड इरप्शन एकदम देखो ज्योग्राफी का हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा एकदम सिंपल सीधे टर्म्स में पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेट चीजों को बिल्कुल नहीं करना है. आराम आराम से आराम आराम से गाड़ी चला के पढ़ना है हमें ओके okay? इरप्शन क्यों होते हैं देखो दो तरीके के वॉल केनो यहां पर पूरा प्लेट टेक्टोनिक्स का ज्ञान लग रहा है दो तरीके के होते हैं एक डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज और एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में किसका रेफरेंस करना है थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी दो ब्लॉक्स है लेथोस्फेयर के दूर दूर गए क्यों गए कन्वेक्शन करेंट्स आ रहे हैं और ये धीरे धीरे यहां पे इस तरफ मूव हो रहे हैं

इसके वजह से पूरा अर्थक् का फॉर्म मतलब वॉल्के फॉर्मेशन होता है ये हम लोग ऑलरेडी पता है हम ये पल पड़ चुके हैं इसमें बस थोड़ा सा हमें सीजनिंग करनी है जो चीज हमने पढ़ा है लावा <coughs> लावा क्या रहता है लावा इज मैगमेट एट रीचेज द सर्फेस वॉल्केनिक वेंट वॉल्केनिक क्या रहता है जो सर्फेस जो ओपनिंग रहती है जहां से वॉल्के निकल के ज्वालामुखी निकल के बाहर आ रही है वो जो ओपनिंग को क्या बोलते हैं वेंट बोलते हैं वी शेप ओपनिंग रहती है इसलिए ऐसा बना रहा हूं टाइप्स ऑफ लावा लावा किस तरीके के होते हैं है। है, और कंपोजिट बोलते हैं और बेसिक और basaltic. जो points ध्यान रखना लिखी हुई चीजें सब मिल जाएगी आपको ध्यान से समझना हमेशा अगर लावा में सिलिकन का कंटेंट ज्यादा है तो दिस वुड बी एसिडिक सिलीकन कंटेंट ज्यादा होने से क्या रहता है कि इसकी विस्कोसिटी हाई रहती है टी बिकम्स वेरी हाई ठीक है तो एसिड इकलावा की विस्कॉसिटी मतलब काफी हाई रहती है विस्कॉसिटी जिनको नहीं पता प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुके हैं फिर से बता देते हैं जैसे पानी पानी की विस्कॉसिटी कम होती है इसलिए वो तेजी से दूर बह जाता है ऑन ऑनकॉन्ट्रेरी अगर आप शहद या फिर हनी लोगे उसको आप फेंको बहुत धीरे धीरे फ्लो होगा तो हम इसका मतलब क्या हो गया विस्कॉसिटी ऑफ हनी इज मच हायर एज कंपेयर टू वॉटर ठीक है इससे जो रॉक स्ट्रक्चर बनता है इग्नियस्ट्रॉक्स yeah, ही रहते हैं एंडेसाइट एंडेसाइट और इससे आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बनते हैं जनरली कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बनते हैं कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बनते हैं ऑन कॉन्टिने अगर मैं बसाल्ट में आऊं ठीक है बसाल्टी का ऑफ ए बेसिक इसमें आयरन एंड मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा रहेगा इसकी विस्कोसिटी कम रहेगी मतलब ऐसे पानी की तरफ एक दूर तक बह जाएगा यह ठीक है इससे बेसिकली ओशनिक क्रस्ट बनते हैं हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक का बना हुआ रहता है ठीक है तो ये डिफरेंसेस हमने बेसिक देख लिए आगे चलते हैं देखो जो चीज हमने पढ़ी है उसी चीजों के बारे में इसको स्पेसिफाई कर दिया कि एंडेसाइड क्या रहता है कंपोजिट क्या रहता है ठीक है, है? एंडेसाइड को एंडेसाइड एसिडिक कंपोजिट और स्ट्रेटोवॉल लावा ये आपका सेम ही रहता है देखो जो लावा है इसमें कलर दूसरे कलर से दिखाता हूं लावा इसमें धीरे धीरे बह रहा है लावा देख रहे हो इसमें बहुत धीरे धीरे फ्लो हो रहा है पर अगर ये बेसिक होता तो तेजी से निकल जाता और एक चीज याद रखना कभी भी जब इरप्शन होता है आप कहा एक और चीज को कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मतलब जो डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज जिसमें ओशन और और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो रहा है उसकी हाइट हमेशा है। बनेगा ठीक है ये देखो वॉल्केनिक माउंटेन आपको देखने को मिल रहा होगा फटेगा उसको तेजी से वॉल्केनिक माउंटेन बनेगा पर ऑन कॉन्ट्रीटी अगर बेसिक लावा रहा तो वो क्या करता है तेजी से वॉल्केनिक माउंटेन क्यों बनता है ये मान लो ज्वालामुखी फटा इस एरिया से अब यहां से लावा जो निकल रहा है लावा जो निकल रहा है वो बहुत धीरे धीरे फ्लो हो रहा है तो एक के ऊपर एक देखो लावा ऐसे चढ़ता जाएगा तो चढ़ चढ़ के इसकी हाइट काफी ज्यादा हो जाएगी बट ऑन ऑनकॉन्ट्री जहां पे बेसिक रहता है बेसिक लावा वगैरह से क्या रहता है देखो ये वॉल केनो फटा ये गैप है ये वेंट बना दिया मैंने फटा ये निकल के देखो क्योंकि पानी की तरह विस्कोसिटी विस्कोसिटिका में तो ये दूर दूर फ्लो होने लग जाएगा तो इसकी वजह से इसकी हाइट कम रहती है बात समझ में आई ठीक है देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है अपना हाई विस्कोसिटी हाई मेल्टिंग पॉइंट ठीक है लाइट कलर रहता है लो डेंसिटी एंड हैव परसेंटेज ऑफ सिलिका सिलिका ज्यादा रहता है इसमें ध्यान रखने वाली बात स्लो फ्लो होता है विस्कोसिटी हाई है तो फ्लो स्लो ही होगा ठीक है एंड बहुत सेल्डम फार ट्रेवल मतलब बहुत लेस डिस्टेंस ट्रेवल करता है लेस डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बिफोर सॉलिडिफाइंग ऊपर आके ये क्या होता है लावा ऊपर आके जम जाता है और जमने के बाद इसमें एक बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं इन्हीं पत्थर को हम क्या बोलते हैं इग्नियस रॉक्स ठीक है तो इसके वजह से क्या रहते हैं वॉल्केनिक कोन्स बन जाते हैं ये जो पहाड़ बनते हैं ना ये वॉल्केनो एक के ऊपर एक लेयर्स जमते आते हैं इसके वजह से वॉल्केनिक कोन्स बन जाते हैं ठीक है और स्टीप साइडेड वगैरह बन जाते हैं ये देखो ये पूरा बताया गया है कि किस तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है ये आपका एसिडिक वॉल्के है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज से बन रहा है तो इसमें देखो तेजी से फटता है ये विस्कस लिक्विड फ्लो होने लगती है ये ऊपर जो आता है इसे वॉल्केनिक बॉम्ब इसमें पायरोक्लास्ट रहता है गैस रॉक पार्टिकल्स वगैरह सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है इसमें ठीक है ये जो धुआं निकलता है जो धुआं जो गैस निकलता है इसको क्या बोलते हैं फ्यूमरोल्स ठीक है धुआं जो निकलता है वॉल्केो देखो हमें कैसे समझ में आता है कि कोई वॉल्केो फटने वाला है पहले उसमें से धुआं निकलेगा और धुआं निकलने से हमें पता चल जाता है कि वॉल्नो इज इन वेरी एक्टिव स्टेट ठीक है जिस एरिया से निकलता है जहां से इसका एंट्री वॉल के लावा निकल के बाहर आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्रैटर ठीक है और भी जो हम चीजें पढ़ेंगे ये एक्चुअली फ्रेंच क्लासिफिकेशन है और हम इसको डिटेल में देखेंगे है ना बेसिक लावा हॉटेस्ट लावा समुद्र के नीचे निकलते हैं ये डाइवर्जेंट ट्रीट बाउंड्रीज में मिलते हैं सी फ्लो स्प्रेडिंग का रेफरेंस देखना हाईली फ्लोइड मतलब कि विस्कोसिटी इज वेरी लेस ये देखो इस तरीके का रहता है जो मैं दिखा रहा था उसमें पहाड़ बन जा रहे थे एसिडिक लावा में पर इसमें पहाड़ नहीं बन रहे इसमें क्या निकल के दूर दूर फ्लो होने लग रहे हैं तो एक शील्ड टाइप का बन जा रहा है पहाड़ नहीं बन रहे डार्क कलर रहता है आयरन मैग्नीशियम पे रिच रहेगा बट पोर पोरिन सिलिका अगर सिलिका ज्यादा हो तो एसिडिक हो जाएगा ठीक है, डार्क कलर रहता है इसका एक एग्जाम्पल बता सकते हो कहां पर डार्क कलर की ऐसी soil? ये डार्क कलर का मिलेगी जल्दी बताओ ऑबलीकन प्लेटूक भी इस तरीके के डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वाले बेसिक लावा से ही बना है धीरे <coughs> से क्वार क्वाइटली फ्लो होता है तो इसलिए साइलेंट वॉल्केजम बोलते हैं नहीं होते ज्यादा ठीक है एक्सटेंसिव एरिया को कवर करता है थिन शीट्स के तरीके से फैल जा रहा है जो एसिडिक लावा रहेगा वो वहीं पे कंफाइंड रहेगा और हाइट बड़ी होती जाएगी इसकी पर ये जो बेसिक लावा दूर दूर तक फैल जाएगा पर हाइट कम होगी इसकी ठीक है तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं शील्ड टाइप लावा ये पूरे एक जमीन के ऊपर एक शील्ड बना देता है पानी के मतलब लावा का लेयर के शील्ड बना देते हैं इसको शील्ड वॉल भी बोलते हैं ठीक है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में ये बहुत कॉमन रहता है जो डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉमन रहता है ये ओके okay? निक लैंडफॉर्म्स को दो तरीके में डिवाइड किया गया है एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव नाम से क्या समझ में आ रहा surface, surface है वॉल्केनिकॉर्म जो सर्फे सर्फेस है सर्फेस के बाहर जो बन रहे इसको हम क्या बोलेंगे एक्सक्लूसिव और जो सर्फेस के अंदर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं इंक्लूसिव ठीक है और अगर लावा लावा जो है वो क्रस्ट के अंदर ही कूल cool होके सॉलिडिफाई होके एक पत्थर टाइप का कुछ बन गया तो उसको हम क्या बोलेंगे प्रोटोनिक रॉक्स रॉक्स सरफेस के अंदर भी बनता है जरूरी नहीं कि सरफेस का आगे बाहर बने और अगर ये लावा सरफेस के ऊपर कूल होकर बनता है तो इसे हम बोलते इग्नियस रॉक्स सिंपल ठीक है एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक लैंडफ़ॉर्म्स की बात कर लेते हैं कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज दो टकराए डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज या फिर कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज होता है टकराए टूटा फोड़ ये तेजी से मैग्मा ऊपर आया इसको तोड़ के यहां से ज्वालामुखी फटा ठीक है तो इसमें क्या रहता है कि मटेरियल को तेजी से बाहर फेंका जाता है वॉल्केनिक एक्टिविटी के टाइम अब देखो मटेरियल जो बाहर फेंका जाता है लावा के साथ साथ जो गैसेस वगैरह रहते हैं उसमें और क्या क्या रहता है नाइट्रोजन कंपाउंड सल्फर कंपाउंड क्लोरीन हाइड्रोजन आर्गन ये याद रखना है यूपीएससी प्री में पूछ चुका है आपसे

बात समझते चलेंगे फिजर क्या होता है क्रैटर क्या होता है ये तीन चीजें समझनी क्रैटर और, और कैलडेरा दोनों को कई बार इंटरचेंज भी बता देते हैं देखो अब फिजर, क्या रहता है? फिजर वेंट वेंट जनरली क्या रहता है मान के चलो ये आपका डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है डायवर्जेंट डी से डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज लिख दे रहा हूं यहां से आपके कन्वेक्शन करेंट्स आ रहे हैं और ये ब्लॉक्स को डाइवर्ज कर दिए दूर दूर तो यहां से साइलेंटली धीरे धीरे क्या होगा मैग्मा बाहर आना शुरू होगा तो ये जो ओपनिंग है की की जो ये opening है, v -shape की जो ये ये है है इसे हम क्या बोलेंगे ठीक है Vent बोलेंगे अब ऐसा कुछ केस हुआ <coughs> ऐसा कुछ केस हुआ कि अभी देखो बहुत प्यार से डायवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज में निकल रहा है अब मान के चलो आपका कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि ओशनिक प्लेट आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रहा है फट के बाहर आ रहा है बार बार ये चीज रिपीट हो चुकी है आपको पता होना चाहिए देखो ये इरप्शन हो ये के फॉर्म पे ठीक है अब देखो ये पहले जो स्टार्टिंग में जब गैस निकलेंगे गैस निकलेंगे तो इवेंट होगा छोटा सा गैप अर्थ सरफेस पे होगा वी शेप को उससे गैस निकलेंगे फिर जब तेजी से ये आपका मैग्मा हिट करके फटके बाहर आएगा तो ये क्या होगा किस तरीके से हो जाएगा इस तरीके से यह पूरे पहाड़ को उखाड़ देगा तो इसको हम क्या बोलेंगे क्रैटर और अगर ये और मतलब दो तीन चार बार दस बार पंद्रह बार फट गया बार बार फट है और ज्यादा वाइड हो जाएगी ओपनिंग तो इसको हम बोलेंगे कैलडेरा कैलडेरा लेक्स होते ना क्रैटर एंड कैलडेरा बात समझ में <coughs> देखो फिजर वेंट क्या बोलते हैं कि नैरो लीनियर नैरोनिक लावा इरप्स विदाउट एनी एक्सप्लोजिव एक्टिविटी वी शेप है डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज में एक्सप्लोजन नहीं होता है ना ये कई किलोमीटर तक भी लंबे हो सकते हैं ठीक है और जनरली इसमें बसाल्टिक वॉल्के होते हैं बसाल्टिक फिर शील टाइप देखो जहां पे भी बसाल्ट आएगा हमें क्या दिमाग पे चल जाना चाहिए ये बेसिक लावा है और ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से बन रहा है फंडे क्लियर बहुत इजी टॉपिक देखो मैं क्यों बोल रहा था प्लेट टेक्टोनिक्स इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक्स आपके पकड़ाई में आ गया अगर तो भाई ये कुछ नहीं रखी ये चीजें प्लेट टेक्टोनिक्स समझ में आ गई तो ये बहुत ईजी है चीजें वो पूरा प्लेट टेक्टोनिक्स का एप्लीकेशन देख लोगे आप और आगे भी सारी चीजें यही है हाँ जियोमोफोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स थोड़ा सा डिफरेंट आएगा जियोमोफोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स से रटने की चीज होगी ये पूरी समझने की चीज है लॉजिक ठीक है अब ये जो वेंट्स रहते हैं मिड ऑनशियन क्या रहते हैं ये हमने ने बताया था ये आपके कैसे बनता है डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और साइलेंट रहता है क्या हो रहा है दूर दूर दो प्लेट्स डाइवर्ज हो रहे हैं तो ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी रेजिस बनती चलेगी तो इसमें भी वेंट्स ही बनते हैं और ये जो रेजिस रहते हैं अप्रॉक्स सेवेंटी थाउजेंड किलोमीटर तक लंबे लंबे ओशन के बेसिन में रहता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मार मिड एटलांटिक रेजिस ठीक है वगैरह होता है बेसिक हमेशा याद रखना जो बनते हैं वो बेसिक लावा रहता है लेस विश्कस और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग में जो हमने चीजें पढ़ी थी उसमें काम आता है नए प्लेट्स दूर होते जाएंगे बीच में सेंटर में देखो ऐसे करके नए प्लेट्स इसमें दूर होते जा रहे हैं ये और बीच में यहाँ पे नया लावा जम के न्यूक्रस का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि हेनरी हस ने बोला था तो ये सब आपका क्या हो गया साइलेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के टाइप्स हो गए कंपोजिट अब ये आपका बनेगा किसमें प्लेट बाउंड्रीज या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज या तो कॉन्टिनेंट ओशन का कन्वर्जेंस होगा टकराएंगे आपस में या तो ओशन ओशन का कन्वर्जेंस होगा ठीक है दे आर देखो इस तरीके का पहाड़ बन रहा है ये माउंट स्ट्रोम्बोली है

है ना गैसेस रॉक पार्टिकल्स ये सब अच्छा ये ग्लोबल वार्मिंग अभी रिसेंट में एक स्टडी आई थी जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ग्लोबल वार्मिंग क्या रहता है अर्थ का एवरेज सर्फेस टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अब इसके वजह से एक फिनोमिन होता है ग्लोबल कूलिंग हालांकि ये सारी चीज आप लोग इन्वायरमेंट पे पढ़ोगे एनवायरमेंटल फिनोमिज है ये ग्लोबल कूलिंग क्या रहता है ये जो आपके क्लाउड्स रहेंगे सनरेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा यहीं से वापस भेज देगा रिफ्लेक्शन होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं एलबीडो इफेक्ट तो अर्थ का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और रेगुलेट होने लग जाएगा तो ग्लोबल वॉर्मिंग उल्टा फिनोमिना रहता है इसमें किस तरीके से होता है वेंट वेंट के पास आके जमा हो जाते हैं क्या हो रहा है इसमें ये पहाड़ है अच्छा इसमें बताते रुको। ये पहाड़ है ये देखो मान लो कन्वेक्शन करेंट्स ये प्लग है पूरा वॉल्केनो आया वॉलो यहाँ पे जमा हो रही है इवेंट है ठीक है अब वॉल्केकेनो फटा तो ये क्या होगा जो लावा हो रही है लावा ऐसे करके लेयर में जम पास 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 जमा होती जा रही है अगर क्योंकि एसिडिक है विस्कोसिटी है तो ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं पा रही वहीं पर रह जा रही है शहर जैसी तो इसके वजह से एक के ऊपर एक कंपोजिट लेयर्स बनती जा रही है

शील्ड टाइप ऑफ वॉल्नो शील्ड टाइप देख चुके हैं ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है वेंट से निकला डायवर्ज हो रही है प्लेट्स कन्वेक्शन करेंट्स आ रहे हैं और ये वॉल्के धीरे से निकल के लेयर्स के फॉर्म में फोलती फैलती जा रही है तो ये एक सरफेस पे हाइट कम रहेगी पर इसका एरिया ऑफ कवरेज बहुत ज्यादा रहेगा तो एक वाइल्ड शील्ड टाइप की बन जाएगी इसको हम क्या बोलते हैं शील्ड एसवी फॉर एग्जांपल हवाई ये हमेशा हॉटस्पॉट्स में बनेगा

कुछ केसेस में एक्सप्लोजिव हो जाते हैं अगर वाटर वेंट के अंदर चले जाए क्योंकि देखो वाटर वेंट के अंदर जाएगा तो एकदम से गर्म होकर स्टीम की तरफ फटेगा अदरवाइज ये लेस एक्सप्लोजिव रहते हैं माउंट लोआ इज एन एक्टिव शील्ड वॉल्ड के नो माउंट के डॉर्मेंट शील्ड वॉल्ड के नो एक्टिव मतलब जो अभी भी जिसका डॉर्मेंट मतलब इरप्शन नहीं हो रहा है डॉर्मेंट शील्ड वॉल के नो के एग्जाम्पल कौन सा है डेकन प्लेटू ठीक है डेकन प्लेटू के बारे में हम बात करेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ठीक है देखो फ्रिजर टाइप बसार, लावा बसारैंडफॉर्मस ये डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए कि क्लासिफिकेशन हो गए अगर सिर्फ एक ही ओपनिंग ना होकर अलग अलग फ्रिजर्स से बहुत लंबी लंबी ओपनिंग होने लगी तो क्या हो जाएगा दिस वुड बी कॉल्ड एज फ्रिजर टाइप वॉलो फॉर एग्जाम्पल ये देखो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री साइलेंट वॉलकनिज्म होता है वेरी थिन मैग्मा स्केप्स टू क्रैक एंड फ्रिजर्स इन द अर्थ सरफेस एंड फ्रूज आफ्टर इंटरवल फॉर अ लॉन्ग टाइम स्प्रेडिंग ओवर वास्ट एरियाज वास्ट एरिया किस्तों किश्तों में निकल के फैलते गए ठीक है और उसके वजह से एक लेयर्ड स्ट्रक्चर लेयर के ऊपर लेयर बनता चला जाएगा ठीक है ये वॉल्के निकल रही है यहाँ से और इसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बनता चला जाएगा वेव लाइक फ्लैट सर्फिस बन जाएगा इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा डेकेंट ट्रैप्स ऑफ इंडियन पेन्सुला यहाँ पे ब्लैक सॉयल होता है ठीक है और एरियाज कौन सा है साइबेरियन ट्रैप रशिया वाले एरिया में आइसलैंड में और कैनेडियन शील्ड वगैरह में इस तरीके के हॉटस्पॉट्स हैं वालकिन के Crater. बता चुका हूं और थोड़ा फॉर्मल वे में देख लेते हैं कोन टाइप स्ट्रक्चर रहता है ये देखो इन्वर्टेड ये फट फट के ऐसा जो वगैरह में क्या गड्ढा बन जाते हैं पाथवे बन जाते हैं इन्वर्टेड है मैग्मा जिससे बाहर आता है जब ये एक्टिवा नहीं रहता है ठीक है तो क्रैटर किस तरीके का बोल कटोरे जैसे मतलब वो जो गंजी रहती है ना गंजी टाइप का मतलब स्ट्रक्चर देखने लगता है वरना ही कोन टाइप का रहता है माउंट फूजी जापान प्रोमिनेंट क्रैटर है जापान का ठीक है अब जब यहां पे पानी गिरता है तो पानी जमा हो जाता है तो इस वजह से क्रैटर लेक बन जाता है बात में क्रैटर का ही बड़ा फॉर्म है इन सम समल्केन द मैग्मा चैम्बर फ्लो द मैग्मा चैम्बर बिलो द सर्फेस मे बी एम्टीड आफ्टर वॉल्केप्शन ठीक है कई बार क्या होता है इतना ज्यादा फट गया इतना ज्यादा ब्रॉड हो गया ओपनिंग की नीचे का मैग्मा चेंबर ही खत्म हो गया मैग्मा मैगमा इन में तो क्या फटेगा मटीरियल इन टू एम टी मैगमा चैम्बर ठीक है एम टी मैगमा चैम्बर में जो नीचे वाला जाएगा उसमें कोलैप्स हो जाएगा एंड द एंडेस लाइक अ लार्ज हॉलो टाइप स्ट्रक्चर ये देखो ये लार्ज हॉलो टाइप स्ट्रक्चर क्रैटर का बड़ा फॉर्म ठीक है वॉल्केनो ही नहीं हो रहा तो ये जो साइड वाले स्ट्रक्चर इस ये वीक होकर कोलैप्स हो जाएंगे कैलडेरा इट बिकम्स ए कैलडेरा लेकाम्पल लेक टोबा यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है लेक टोबा कहां पे इंडोनेशिया में ठीक है वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रैटर लेक इन दर्ल्ड बात समझ में पूरा कोन टाइप करेगा छोटी सी ओपनिंग रहेगी

पूरा आपका हेमेस्फेरिकल शेप का रहता है टाइप का रहता है हल्का सा ऊपर खिंचा हुआ इन्वर्टेड हेमेस्फेयर टाइप का है ना तो इंक्लूसिव लैंड लैंड फॉर्म से जैसे नाम से क्या समझ में आ रहा है ये जो अर्थ क्रस्ट के अंदर बन जाता है ये देखो ये इस डायग्राम को ध्यान से देखो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी है ना ये पूरी महाभारत की समरी है आपकी वॉल्केनिक कौन क्या हो रही है सरफेस हो गया क्रस्ट का देखो काला वाला लेते हैं हाँ ये क्या हो रहा है आपका सरफेस है और ये आपकी ज्वालामुखी फट के बाहर आ रही है ठीक है नीचे क्या है जो एक बड़ा सा मैग्मा का चेंबर रहेगा अंदर क्या बोलेंगे हम सरफेस के अंदर मैग्मा बड़े से चैम्बर जहां पे मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ये कन्फाइंड स्पेस में आपका मैग्मा एक्यूमुलेटेड है इसको बोलते हैं बैथोलिथ ठीक है। बैथोलिथ के एजेस को क्या बोलते हैं प्लूटोन, है ना अब इसमें से देखो ये क्या है रॉक स्ट्रक्चर जैसे आपको देख के समझ रहा होगा रॉक स्ट्रक्चर अब ये धीरे धीरे हम किसमें आ रहे हैं लिथॉस्फियर लिथॉस्फेर लिथोस्फेयर में आ रहे <coughs> में क्या रहेगा ध्यान से देखना ये जो वर्टिकल जो ओपनिंग टाइप की रहेगी वर्टिकल ओपनिंग टाइप की जो वर्टिकल जहां पे मैग्मा जमा रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे डाइक बात समझ में आ गया वर्टिकल ओपनिंग टाइप वर्टिकल जमा होके मैग्मा जहां पे जमा होता है उसके अंदर डाइक बोलते हैं कंटिन्यूस लेयर्स होंगे इस तरीके के तो इसे क्या बोलेंगे हम सिल देखने को मिल रहा है ठीक है एक होता है लैकोलिथ क्या रहता है ये देखो इसमें जैसे क्लियरली नहीं समझ में ऐसा इन्वर्टेड सॉसर टाइप का जमा होगा इन्वर्सेड इन्वर्टेड सॉसर टाइप का मैग्मा जमा होगा रॉक्स के बीच में तो लैकोलिथ होता है और अगर सॉसर शेप में ऐसे जमा होगा चांद के डब में तो इसे क्या बोलेंगे समझ में आया ये हो गया आपका इंट्रूसिव लैंडफॉर्म फीचर्स या फिर प्लोटोनिक फीचर्स 2000 ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन था ये और देखो आप बोले कि बोले ऑप्शन हमें क्यों बता रहे हो ट्रेंड है ऑप्शनल का जो क्वेश्चन रहता है कुछ कुछ जो जनरल टाइप के क्वेश्चन जीएस में रिपीट होती होते ठीक है इसलिए ये आने वाला हो, होगा ही होगा कभी नहीं तो एक दो साल में या तो हो सकता है इसी साल आ जाए ट्वेंटी वाले में ओके एक एक करके हम पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं ज आर लार्ज ग्रेनाइटिक रॉक बॉडीज फॉर्म डिट टू सॉलिफिकेशन ऑफ हॉट मैगमा इन साइड द अर्थ ये देखो ये अर्थ सर्फेस है अर्थ के अंदर इसके अंदर एक बड़ा सा मैगमा का चेंबर जमा होगा तो इसके वजह से यह जो ग्रेनाइटिक रॉक स्ट्रक्चर यह भी उठ गया यही होता है आपका बैथोलित ठीक है दे अपियर ऑन द सर्फेस ओनली आफ्टर द डेनोडेशन प्रोसेस रिमूव द ओवरलाइंग मटेरियल अब एक्चुअली में क्या रहता है ये जो रहता है ये सर्फेस कब होगा ये जो ये साइड वाली पहाड़ है एक टाइम पे पूरा इस तरीके से कवर्ड होगा है पूरा कवर्ड होगा बैथोलिथ हमने देखा था नीचे अब देखो एक्सोजेनिक फोर्सेस के वजह से ये सर्फेसिस अगर हट गए अपने ये सर्फेसिस अगर पूरे कट गए अपने और सिर्फ यही पार्ट पर रह गया तब हमें देखेंगे कि भाई ये बड़ा सा क्या बैथोलिथ है बात समझ में इट फॉर्म द कोर ऑफ ह्यूज माउंटेन्स एंड मे बी एक्सपोज टू द सर्फेस आफ्टर एरोजन नहीं तो नीचे दबा रहता बात समझ में लैकोलिथ ये देखो ऐसे इन्वर्ट मैंने क्या बताया था इन्वर्टेड सॉसर ये क्या है एक्चुअली ये बाहर सरफेस आपको देखने पर इसके अंदर मैग्मा जमा है इन्वर्टेड सॉसर शेप में इसको हम क्या बोल रहे हैं ठीक है डोम शेप रहता है इंक्लूज बॉडी कनेक्टेड लाइक बाय पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम बिलो ऐसा रहता है इसके अंदर देखो क्या है ये मशरूम टाइप का छतरी यहां से मैग्मा सप्लाई हो रहा है और ये मैग्मा यहाँ पे जम गया यहाँ पे पूरा क्या ऊपर से ये वाला माउंटेन बन रहा है ठीक है ये आपका हो गया मैग्मा और नीचे से डाइक प्लग से मैग्मा सप्लाई आ, सप्लाई हो रहा है ठीक है लैपोलिथ टाइप का रहता है पर डिप्रेशन टाइप का रहता है ऐसा इन्वर्टेड सॉसर रहता है ठीक है इन्वर्टेड सॉसर रहेगा यहां पे मैग्मा जमा हो गया यहां पे दूसरे रॉक के स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं दिस वुड बी कॉल्ड एज लैपोलिथ डिप्रेशन स्ट्रक्चर रहेगा ठीक है पैकोलिथ एक वेवी स्ट्रक्चर रहेगा ये रॉक के अंदर की बात कर रहा हूं मैं प्लूटोन इंट्रूसिव फीचर्स पढ़ पढ़ने ये रॉक है इसके अंदर ये वेवी फॉर्म पे कंटिन्यूस लैकोलिथ लैपोलिथ आप, आपको ऊपर वाला क्या हो गया लैपोलिथ नीचे वाला हो गया और लैकोलिथ लैपोलो पी लैपोलिथ नीचे वाला लैकोलिथ सी वाला ठीक है बोलने में एक जैसा लगता है पर पी और सी इसलिए मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूं इसका अगर कंटिन्यूस चेन बन गया तो इसको हम क्या बोलेंगे मास ऑफ रॉक स्ट्रक्चर ठीक है बात समझ में आप डाइक्स ये वर्टिकल रहता है ठीक है वेन द लावा मेक्स इट वेट टू द क्रैक्स एंड द फिजर्स डेवलप्ड इन द लैंड इट सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड इंक्लूसिव लैंड फॉर्म पर यह क्या रहेगा जम जाएगा एकदम परपेंडिकुलर है ना तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा ठीक है एकदम वर्टिकुलर जैसे इसमें आपको डोम देखने को मिल रहा था लैकोलिथ में वैसे इसमें एक बड़ा सा रॉक का तीला टाइप का देखने को मिल जाएगा ठीक है वॉलिक टाइप्स ठीक है फोर टाइप्स ऑफ वॉल्नोज कैन बी आईडेंटिफाइड है ना किस तरीके के होते हैं एक एग्जिटिव इसमें क्या रहता है जब भी देखो ज्वालामुखी फटता है ज्वालामुखी फटने के पहले क्या होता है एक्चुअल लावा आने के पहले उसके पहले स्टीम फ्यूमोलोस ठीक है पायरोक्लाइस पायरोक्लास गैसेस ये सब निकलते हैं तो ये क्या हो गया एक्सेलेटिव टाइप का वोल्केन हो गया ठीक है इफ्यूसिव लावा निकलने लगा एक्सप्लोजिव तेजी से फट रहा ब्लास्ट हो रहा है ये किस में बनेगा कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज ओशन कॉन्टिनेंट ऑफ ओशन ओशन ठीक है <coughs> एक्साइलेटिव वगैरह में देखो इसमें कौन कौन सी गैसेस निकलेगी ये देखो ये गैसेस निकल रही है गैसेस दिख रही है आपको गैसेस निकल रही है ये जरूरी नहीं है कि ये पोलर रीजन पे है तो वहां पे वॉल्कनो नहीं हो सकता वॉल्कनो कहीं पे भी हो सकता है जहां पे हॉटस्पॉट है जहाँ पे प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है ये पूरा लिस्ट है कि कौन कौन सी गैसेस निकलती है ये दिस लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है मेन्स में आपका एनालिसिस पूछेगा प्री में इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है ठीक है

एकदम पहले लब दिमाग में ये सब चलते रहने चाहिए ठीक है डेक ट्रैप्स वगैरह ये सब एग्जांपल्स वगैरह बताए गए इसके एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव में क्या हो रहा है ओशन कॉन्टिनेंट टकरा रहे हैं तोड़ के बाहर आ रहे हैं एंडीज माउंट स्ट्रोम्बोली माउंट क्राकाटोवा माउंट स्ट्रोम्बोली को क्या बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटोरियम ये सारी चीजें मेडिटेरियन सी सुबह क्यूस

अगर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ओशन बेड पे हो रहा है तो इस तरीके की कंडीशंस बनती है आपकी ठीक है ये सुबैक्यूएस वर्गेजम याद रखना अब देखो आप लोगों के कई डाउट्स रहते हैं एनसीआरटी एनसीआरटी से इन सबका बेस बन जाएगा बट दीज थिंग्स यू विल नॉट गेट इन एन सी या आपको बुक्स में मिलेंगे जैसे कि माजिदसैन बुक्स हो गया डी आर खुल्लड़ वगैरह में मिल जाएगा जी सी लॉन्ग में मे भी मिल सकता है ये सारी चीज़ें या फिर और एडवांस जैसे कि देखो ये नोट्स आपके इग्नू के मटेरियल इग्नू के बी के मटेरियल से बेही से भी कंपाइल करके बनाए गए हैं तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछ लेगा कि सुबह क्यूएस वॉल्केनो क्या है ठीक है वॉट आर द एप्लीकेशन ऑफ सुबह सुबैक्स वॉलिनोज वॉट आर द प्रोमेंट एरियज इन विच दे आर विजबल दस नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है में इरप्शन इरप्शन eruption. के टाइप्स किस तरीके के होता है ये देखो हम इरप्शन के टाइप्स वगैरह देखेंगे हम ठीक है Vulcanos के टाइप्स देख लिए, अब हम इरप्शन के टाइप देखेंगे कि किस तरीके से फटती है वॉलनो सबसे कामिस् वॉलो होता है ठीक है कामिस्ट वॉल्के मतलब डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बस देखो एक ही एक चीज रिपीट हो रही है पर वो डिफरेंट डिफरेंट नाम से आ रही है बस वो नाम का थोड़ा सा ध्यान रखना कंसेप्ट हर जगह आप देखोगे कॉमन ही रहता है बात समझ में क्रेडिस फीजर्स वगैरह से हो रही है इजेक्ट हो रही है लो गशियस कंटेंट रहता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के पूरे पूरे एक तरीके से इसमें क्या है फीचर्स वगैरह होते हैं अलग इसमें नया कुछ भी नहीं है बस इसका नाम दिया जाता है हवाईन वॉल्कन हो और ये आपके कहाँ पे मिलेगा ओशन हवाई आइलैंड ओके हवाई आइलैंड से एक इंसिडेंस जुड़ा है पर्ल्ड हार्बर कोई मूवी या फिर वर्ल्ड वॉर वगैरह या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के थोड़े शौकीन हो पता होगा कि पर्ल हार्बर क्या हुआ था एक्चुअली यहाँ पे यूएस क्या मिलिट्री बेस है यहाँ पे जापान ने आके अटैक कर दिया था इसी वजह से यूएस इन्वॉल्व हो गया था वॉर में और फिर जर्मनी हिटलर को हथियार डालने पड़े थे स्ट्रॉम्बोलियन वॉल्केनिक पीछे देखो स्ट्रॉम्बोली बहुत प्रोमिनेंट वॉल्केनो है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन इटली में है लिपारी आइलैंड्स के पास है ना लिपारी भी याद रखना तो स्ट्रोम्बोली वॉल्नो के नाम पे पर इस इस, इरप्शन इसके स्टाइल पे ही इरप्शन का इस नाम रख दिया गया है स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन

तोड़ क्या बनाएगा वेंटी बनेगा क्राइटेरियन कैलडेरा बनेगा ठीक है आपको स्ट्रॉन्ग बोली ये एज कम्पेयर टू हवाइन ज्यादा एक्सप्लोजिव रहता है ठीक है एक और जैसे वॉल्नो है क्राकाटोवा The greatest volcanic explosion to humans तो ग्रेटेस्ट वर्ल्डोर से ऑस्ट्रेलिया तक आवाज गई थी तीन हजार माइल्स दूर तक ठीक है तो इसमें क्या हो गया आपका पूरे इसके बारे में बताया रिसेंट टाइम्स ये इंक्रीजिंगली अभी पहले बीच में डॉमेंट हो गया था पर यह क्राकाटोआ कटाउ स्ट्रॉम्बोली टाइप में धीरे 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 और ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है ठीक है वह का नाम है काट हुआ प्लीनियन इरप्शन टाइप का होता है प्लीनियन ऑफ वेसुवियन इरप्शन वेसुवियन भी नाम भी इंपॉर्टेंट है प्लीनियन और वेसुवियन ये और ज्यादा एक्सक्लूसिव हो जाएगा ठीक है आर टाइप ऑफ वॉल्न एरोप्शन नेम्ड आफ्टर हिस्टोरिकल इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस देखो एक ऐसे जो प्रोमनेंट वॉल्केन एक इरप्शंस होते थे जो कि ऐसे टाइप के इरप्शन देखे नहीं गए थे तो इन इरप्शंस के ऊपर ही एक इरप्शंस के टाइप्स रख दिए गए थे टाइप्स के नाम रख दिए गए थे इन दिससेसोड इन द मैगमा आर चैनल टू द टॉप थ्रू अंडोट पाइपलाइक स्ट्रक्चर देखो ऐसा रहता है वॉल्के है ये एक पाइप रहता है यहां पे मैग्मा चेंबर है एमसी मैग्मा चेंबर ठीक है यहां से क्या हो रहा है कि मैग्मा चेंबर से धीरे 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 क्या हो रहा है ऊपर आ रहे हैं जो पाइप के थ्रू आ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर और यहां पे धीरे 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 क्या होता जाएगा क्योंकि यहां पे अर्थ का स्ट्रक्चर है ये इतनी इजीली थोड़ी मैग्मा को बाहर आने देगा तो यहां पे वॉलिटाइल गैसेस स्टोर होते जाएंगे फिर एक मासिव ma जब बहुत ज्यादा यहां पे प्रेशर बढ़ता जाएगा प्रेशर बढ़ के जब ये इरोड होगा तो मासिव वॉइस की आवाज आएगी द गैस इज इरप्ट इनटू अ मैसिव कॉलम ऑफ गैस प्लूम दैट रीचेस अप टू 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर हाइट तक एटमॉस्फेयर में चला जाता है और बस्ट होता है बात समझ में आई ये वेसुवियन टाइप हो गया ठीक है ये बे ऑफ नेपिस इटली में है है ना ठीक है मतलब इसने एक रीजन था रोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने का माउंट वेसुवियस वेसुवियस गॉड इसकी पूजा भी करते हैं कि भाई मत फोड़ो हमें जीने दो है ना ऑब्वियसली इंडिया में भी ऐसा होता है तो हम भी पूजा करते हैं इंडियन सबसे आगे होते हैं पूजा करने में इट इज वन ऑफ़ द मोस्ट डेंजरस रिगार्डेज इन द वर्ल्ड वेसुवियस माउंट सेंट हेलेंस एक्टिव वॉल्केनो है ये प्लीनियन टाइप्स की वेसुवियस टाइप्स की बात कर रहे हैं कैस्केड वॉल्के आर्क में है ठीक है <coughs> इसके इरप्शन वगैरह से भी मोर देन फिफ्टी लोगों की जान गई थी ये देखो गवर्नमेंट फिगर्स से सबसे मिनिमम फिगर्स रहते हैं है ना और ज्यादा एक्चुअल में आप मान के चलो ट्वेंटी थर्टी टाइम्स ज्यादा फिगर्स रहते हैं कोई कंट्री शो नहीं करना चाहती कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट इतना बेकार है कि इतने लोग मर गए माउंट एम्बोरा जैसा सुंडा स्टेट में सुंडा मतलब अपने इंडोनेशिया के नीचे वाले साइड में है ठीक है इसका भी 1815 में इरप्शन वगैरह हुआ था ठीक है लोगों की जान चली गई थी इस वर्को की वजह से देखो बाद में क्या हुआ था? थे, अमेरिका में। देखो ये वाला आपके कहां पे आएगा है? में आएगा। है ना एनवायरमेंट में आएगा पर ठीक है तो सनरीज नहीं आ पा रही थी सनरीज नहीं ऐसे मैंने क्या पहले बताया था क्लाउड्स कवर हो गया क्लाउड्स कवर से सनरीज नहीं आ पा रही जब सनी नहीं आ पा रही तो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं जो खाना नहीं बना पाएंगे प्लांट ट्रीज नहीं ग्रो हो पाएगी तो फिर मनी मनी ड्रॉट फेमाइन वगैरह ये सारी चीजें होने लग गई थी <coughs> इसमें से देखो एक्चुअली में क्या रहता है लहर ये जो दिख रहा है ना इस टाइप के इरप्शंस में प्रीमियम टाइप्स में लहर निकलती है ये देख रहा है लहर एक्चुअली ये फटने के बाद लहर निकलता है लहर क्या रहती है बहुत तेजी से मड फ्लो रहता है मड फ्लो रहता है और डेब्रेस रहता है डेब्रेस मतलब छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल्स स्पायरो क्लास वगे रॉक डेब्रेस एंड वाटर ये इतने तेजी से आते कि इसके बीच में जो भी जो भी आपके घर ह्यूमन लाइफ वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ भी आती है सब डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये साथ साथ रिवर वैली जो जो एरिया रहता है रिवर वैली वाले एरिया के साथ साथ फ्लो होता है और यहीं पे बाद में रेनफॉल होकर रिवर वगैरह फ्लो होने लग जाती है ठीक है ये इतने डिस्ट्रक्टिव रहते हैं और इतनी ज्यादा स्ट्रीट रहती है कि मिनट्स में एक पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है ये लहर फ्लो लहर क्या रहेगा मैग्मा, गैसेस पायरो रॉक मर्ड इन सबका मिक्सचर टाइप का आखिरी पहले देखो पहले पीलियन था अब ये पेलियन है ये सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ इरप्शन रहता है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहेगा माउंट पेले के नाम पे रखा गया है सबसे वीक कौन सा हो गया आपका हवाई स्ट्रोम्बोली

लैटरली फ्लोइंग आउट वॉल्ट्री एट हाई स्पीड कॉजिंग मासिव डिस्ट्रक्शन भगवान करे वी प्रे टू गॉड की इस तरीके का पेलियन टाइप का वॉल्के इप्शन कहीं पर भी नहीं हो और देखो ऐसा रहता है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेट टेक्ट्रॉनिक्स जितना तेजी से प्लेट अंदर जाएगा उतने तेजी से रपशन होकर तेजी से फटेगा बात समझ में आ रही है तो ये सबसे डेंजरस टाइप ऑफ फ्री में आ सकता है कि कौन सा वॉल्के तरीके के रप्शन में आता है या फिर अरेंज करने को दो लीज एक्सप्लोजिव से मैक्सिमम एक्सक्लूसिव वॉल हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट ठीक है हॉटस्पॉट नथिंग, ये हमारा क्या रहा है, बन रहे है यहाँ पे मैग्मा आ है रहे हैं और टाइप दैट अकर्स फार फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज दैट टाइट हवाई येलोस्टोन वगैरह में ठीक है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं हॉटस्पॉट वगैरह क्या होगा हवाई वगैरह में इसमें मिड ओशनिक वगैरह बनेंगे साइलेंट वोल्केनिज्म होगा ठीक है अगला फंडा है हमारा मेंटल प्ल्यूम्स 2018 आप लोग चेक करना 2018 या 2019 यूपीएससी जीएस वन के मेंस में क्वेश्चन था 15 नंबर में पंद्रह एम ए भी दस नंबर में पर ये क्वेश्चन था मेंटल प्लूम्स के बारे में मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं ध्यान से समझना ये आउटर कोर आउटर कोर वहाँ पे ओरिजिनेशन होता है वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की वजह से कन्वेक्शन करेंट्स राइज होना शुरू होता है ठीक है और ये एक पर्टिकुलर हाइट पे जाते हैं तेजी से बहुत फास्ट स्पीड में प्लूम्स वगैरह ऊपर जो कन्वेक्शन करेंट्स ऊपर जाना मतलब स्टार्ट करते हैं फिर ये मेंटल से क्रॉस होते हुए है क्रॉस होते हुए नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है स्टार्टिंग में हमारी बात हुई थी तो यहां पे यह नहीं आ पाता तो यहां पे क्या होने लगता है ये मैंटल प्लूम्स ऊपर आके नीचे यहां पे जमा होने लगता है ठीक है जमा होने लगता है फिर तेजी से ये क्या करता है जमा होगा अगर क्रस्ट हुआ तो फट के बाहर आ जाएगा पर अगर स्ट्रॉन्ग क्रस्ट हुआ तो ये क्या होगा ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसको भी उठाने लग जाएगा ऊपर का स्ट्रक्चर उठाने लग जाएगा प्रेशर के वजह से और यह मतलब तो वॉलिकोसेस वार्पिंग. वार्पिंग प्रोसेस बोलेंगे फॉर एग्जांपल ये कैसे बना था तेथिस सी जब इंडिया और यूरेशिया टकराने वाला था तो उसके पहले तेथिस सी था प्लेट टेक्टोनिक्स याद करो तो तेथिस सी का जब सबमर्जेंस हुआ था कहां पे यूरेशियन प्लेट के अंदर तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स वगैरह बनना शुरू हो गए थे और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टिबेटन प्लेटू टिबेटन प्लेटू बात समझ में ठीक है तो इसके वजह से क्या जो चीजें वगैरह होती किस तरीके के प्रोसेस वगैरह डेक ट्रैप्स वगैरह बनता है, है ना जावा प्लेटो अलग-अलग में किस किस तरीके के मेंटल प्लूम्स के बारे में स्ट्रक्चर बने उसके बारे में ठीक है. है? है तो देखो ये, ये है जहां पे है. ये आपको मैप में बना के आना था मेन मैंने आपको फंडा बता दिया इन इन एरिया पे मेंटल प्लूम्स वगैरह होते हैं वगैरह ये सारी रीजनस वगैरह ठीक है हॉटस्पॉट की वजह से मेंटल हैं ये देखो रियूनियन आइलैंड यहाँ पे क्या हुआ था इंडिया ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका साथ में मैडागैसकर साथ में ट्रेवल कर रियूनियन हॉटस्पॉट में डायवर्जन प्लेट बाउंड्रीज हुई अलग अलग हुआ मैडागैसकर यहां पे रह गया इंडिया आगे जाके यूरेशिया से भिड़ गई और ऑस्ट्रेलिया अभी भी जुड़ा हुआ इंडिया से बीच में कौन सा है ओशनिक प्लेट है ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉटस्पॉट्स पूरा बताया कि कहां पे कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड में ये रटना नहीं है बस एक ग्लांस होना चाहिए एक बार साइड में मैं हट रहा हूं अच्छे से आप लोग स्क्रीन ले लेना इसका ठीक है रियूनियन हॉटस्पॉट इसके बारे में बताया ये इंडिया में एक रियूनियन आइलैंड है, उसके पास है। इंडिया के बने थे सेचल्स वगैरह इंडिया से वाला पार्ट जो था वो इंडिया से अलग हो गया था और इंडिया यूरेशिया के तरफ ड्रिफ्ट हुआ था जो मैंने लास्ट सीजे में बताई थी और सेम पार्ट वहां का एज इट इज रह गया था मैडा सेचल्स वगैरह अब आता है गीजर एंड हॉट हॉटस्प्रिंग्स बात समझना क्रस्ट, क्रस्ट में क्या रहते हैं क्रैक्स रहते हैं इन क्रैक्स में जब पानी घुसता है पानी घुसेगा तो नीचे क्या नीचे क्या मेंटल है मेंटल है. मैंटल में क्या है मैग्मा है मैग्मा होता है बहुत गर्म अब जैसे ये पानी मैग्मा के कांटेक्ट में आए तो ये इतना गर्म हो जाएगा तो ये स्टीम हो जाएगा स्टीम जैसे होता है हमें क्या पता है ये एक्सप्लोजिव बहुत ज्यादा स्टीम जैसे हल्की होती है हल्की होगी और एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगी तो ऊपर भागेगी ऊपर तेजी से गर्म पानी उस तीन का मिक्सचर जो अर्थ में दूसरे क्रैक्स है उसके फॉर्म में आ जाएंगे और जमा हो जाएंगे इसी को हम क्या बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स जो मतलब एरिया रहता है और इससे एक बाहर क्या निकल के आता है गीजर का वाटर डायग्राम में देखो ठीक है ये हॉट स्प्रिंग्स जहां पे पानी एक्यूमलेट हो गया पानी नीचे गया पोरस रॉक स्ट्रक्चर पोरस रॉक स्ट्रक्चर से नीचे गया मेंटल के कांटेक्ट में गया गर्म हुआ ऊपर आके एकदम से तेजी से पानी अगर ऊपर आने लगा तो गीजर्स एक जगह जमा हो गया दिस इज कॉल्ड हॉट स्प्रिंग्स ये पूरा गीजर्स वगैरह में पहले स्टीम निकलेंगे धीरे धीरे स्वेलिंग होगी बुल बुले फिर तेजी से पानी फट के बाहर आएगा समझ अब हमारा अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी पहला क्या रहेगा एक्सटेंट रहनो मतलब हजारों साल पहले कहीं पे वॉल्केनो हुआ करता था अब यहाँ पे वॉल्के इरप्शन के कोई भी दूर दूर तक चांसेस नहीं है दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो डॉर्नमेंट वॉल्केनो जो 100 200 इयर्स में एक बार फटे हालांकि वो फटेगा नहीं पर क्योंकि हॉटस्पॉट वहां पे खत्म हो सक हो चुका है पर क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज बन गए कुछ ऐसे रीजन्स बन गए जिसकी वजह से क्या हो गया वापस उस एरिया तो में एक्टिविटी तो फ्यूचर में मे भी फट सकता और एक्टिव जो रेगुलरली जिसका इरप्शन होता रहता है यहां पे बताया कि कौन कौन से रीजन पे हमारा एक्टिव वॉल के कौन से नहीं है याद रखना बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में इंडिया का ओनली आई रिपीट इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल है ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो लास्ट टॉपिक ठीक है ध्यान से समझना तीन मेजर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वॉल्किन के थ्री मेजर मेजर थ्री सबसे पहला हो गया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सरकम पैसिफिक बेल्ट या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ फायर।, फायर बहुत नाम से बोलते हैं आता है क्वेश्चन इसी बार 2020 के मेंस पे क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन अबाउट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका सेकेंड हो गया आपका मिड एटलांटिक रिज थर्ड हो गया आपका कौन सा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ठीक है ये तीन हो गए, अब इन तीनों को हम पहले डायग्राम में देखते हैं ये देखो सबसे पहले समझना हम समझते हैं ये फर्स्ट हो गया मिड एटलांटिक रिज ये यह ओशन है ना मिड एटलांटिक रिज ये जो चेन बन रहा है पूरा एक्चुअली में क्या हो रहा है ये एक हॉटस्पॉट है यहां पे क्या हो रहा है आपके डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज

ऊपर वाले रिज को हम क्या बोलेंगे डॉल्फिन रिज डॉल्फिन मछली का नाम है ना डॉल्फिन और नीचे वाले रिज को हम बोलेंगे ये जो इसके जो फ्रैक्चर के नीचे वाले रिज को हम बोलेंगे चैलेंजर रिज ठीक है तो इस वजह से ये एरिया हो गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट चेन ऑफ माउंटेन लार्जेस्ट चेन ऑफ साइलेंट वॉल्केनिक माउंटेन ठीक है ये आपका हो गया मिड अटलांटिक रिज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बन रहा है मैकेनिज्म आप सभी को पता है बस मैं बता रहा हूं कि कहाँ पे कैसे बन जाता है ठीक है अगला आता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये देखो ये हॉटस्पॉट है ये जो काले काले धब्बे देख रहे हैं आपको हॉटस्पॉट है अब हमें क्या पता है हॉटस्पॉट से दोनों प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज होते हैं ये आपका कौन ऑप्शन है है अब क्या हो रहा है? का प्लेट्स देखो इस अलिए जो एरोज दिख रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रहा है हॉटस्पॉट से अब ये डायवर्ज होकर क्या हो रहा है पैसेफिक प्लेट्स क्या है एक्चुअली में ओशनिक प्लेट्स है ओशनिक प्लेट्स किससे टकरा रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एशियन कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यहां पे कौन सा हो गया आपका नास्का प्लेट एन ए सी प्लेट और यहाँ पे क्या हो गया पैसिफिक प्लेट्स की पार्ट है ये प्लेट्स जैसे ही कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रहे तो हमें बहुत अच्छे से पता है जब भी ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगा तो ओशनिक प्लेट नीचे सामर्ज हो जाएगा

या कुछ जगह पे ओशन एंड ओशन ये जापान का फॉर्मेशन फिलीपींस का फॉर्मेशन इंडोनेशिया का फॉर्मेशन हमने डिटेल में देखा था आ, पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में एंडीज और रॉकीज का फॉर्मेशन भी हमने डिटेल में एनालिसिस किया था किसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में उसी का एप्लीकेशन मैंने बता दिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ठीक है तो ये आपका कौन सा हो गया दूसरा रीजन हो गया अब थर्ड बेल्ट ये आपका डिस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव और वॉलेंट वॉल्केजम यहां पे जो बनेंगे वो बनेंगे। क्यों? आपको पता है ठीक है यहां पे जो बनेगी डायवर्जन प्लीट बाउंड्री है तो बसाल तो बेसिक बनेगा शील में अगला बेल्ट हो गया ये वाला थर्ड नाम हो गया इसका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट मेड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बीच के कॉन्टिनेंट का बेल्ट इसको समझते हैं क्या है गोंडवाना लैंड थोड़ा सा पीछे जाना हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में गोंडवाना लैंड था तो यहां पे ये इंडिया अफ्रीका ये आप मान लो इंडिया हो गया यहां पे ये बड़ा से इंडिया बना दिया ऑस्ट्रेलिया ये अलग पार्ट हुआ करता था ठीक है बीच में एक सी थी इस सी का नाम क्या था टेथिस सी हॉटस्पॉट आया तो इंडिया अफ्रीका धीरे-धीरे ये आपका क्या हो गया यूरेशिया हॉटस्पॉट जैसे क्या हुआ बीच में तेथे थी तो के आने की वजह से क्या हो गया कि जब गुणवाना लोगों के अफ्रीका इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूरेशिया की तरफ बढ़ने लगा तो बीच का जो है ये यूरेशिया के अंडर सब्डक्ट होने लगा तो वापस से क्या हो गया आपका दिल्ली बताओ

तो उसके वजह से काराकोरम रेंजेस बनी थी तो, तो उस टाइम पे वॉलिक रेंजेस थी अब क्योंकि पूरी तरीके से समर्ज हो चुका है अब समझ होने की वजह से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रहा है तो उसके ऊपर अब फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं जहां पर वॉलैनिज नहीं है तो मेडिटेरियन सी से लेके जो हिमालय के ईस्ट पार्ट तक जो बेल्ट जाता है मैप में देखिए ये यहाँ पे ये यह देखो ये यह यहाँ पे चाइना तक जो बेल्ट जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं थर्ड बेल्ट मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव कौन सा है तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है फिर मेडिटेरियन सी वाला पार्ट है पर इंडिया वाला हिमालय वाला पार्ट नहीं है तो सबसे साइलेंट वॉलक्यूज मिड अटलांटिक रेंज है तो ये तीन आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्लूस ठीक है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ठीक है इसके बारे में पूरी बात बता दी गई है अब देखो एक चीज समझने की अगला टॉपिक हमारा अतको है पर अतको में कुछ है नहीं विक जहां जहां वॉल्किनिक होगा चाहे डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हो चाहे कन्वर्जेंट या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज हो टकर भाई जमीन हिल रही है तो अर्थविक आनी है अर्थकविक में हमें पांच मिनट का टॉपिक है बस पढ़ना है कि अर्थक्विक मेजर कैसे होता है क्या इंटेंसिटी होती है ठीक है तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहां पे वॉल्नोज सबसे ज्यादा रहेगा वहां पर मैक्सिमम अर्थक्विक्स भी आने ठीक है ये पूरे देखो ये ये कंट्रीज वगैरह टच होते हैं आप एक बार डिटेल में देखना प्री में खुशी खुशी पूछते हैं ये सब चीजें एल्यूशन एंड मैप के साथ कंपेयर करना ये कंट्रीज है सबसे ज्यादा अलास्का वगैरह पार्ट में लगा में, में, इत्ते इत्ते है यूएसए में रशिया में इंडोनेशिया इतने इतने आईलैंड है ठीक है इतने वॉल्के हैं यहाँ पे नंबर से याद नहीं रखना पर हाँ सबसे ज्यादा यूएस रशिया में ये ध्यान रखना मेडिटेरियन के वेसुवियस रोम्बोली लाइट हाउस वगैरह जिसके बारे में हमने बात किया था ये क्यों बना था जब अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ पहुंचा था तो सी का सबमर्जेंस वगैरह हो गया था तो ओशन ये भी डिस्ट्रक्टिव वॉल्नोज का फॉर्मेशन हुआ था ठीक है इंडिया में वॉल नहीं है क्यों ये मिड, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का, का पार्ट है इंडिया वाला क्यों क्योंकि पहले था, अभी, कौन्तिनेंटर, कौन्तिनेंटर मतलब कि इंडियन और का हो रहा है, तो भी नहीं होता है सिर्फ बैरन इंडिया है 1990s में फटा था और अभी 2017 के पास फंसा था फटा था तो ये आपका उठाकर दो में प्री में भी पूछ दिया था 17-18 प्री में पूछा था बैरन आइलैंड के बारे में प्रिलिम्स एक्सटेंट वॉल्के नारकोंडम अंडमान निकोबार के पास जब इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वो और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है अब देखो वॉल से पॉजिटिव इफेक्ट्स वगैरह क्या क्या रहता है एक बार रीड कर लो इसमें समझाने का कुछ है नहीं जैसे कि ट्रैप्स बना था तो यहाँ पे क्या होगा ब्लैक कॉटन कॉटन प्रोडक्शन होता है ब्लैक सॉइल व्हीट शुगर केन वगैरह वॉलो के जो डस्ट रहते हैं फार्म्स के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल रहते हैं ठीक है डिकम्पोजिशन ह्यूमस वगैरह फॉर्मेशन वगैरह मिल जाते है मिनरल रिसोर्सेस मिल जाएंगे जो इग्नियस रॉक्स वगैरह का फॉर्मेशन मिनरल्स गोल्ड वगैरह ये सब भी मिल जाते हैं मेटालिकोस वगैरह वाटर डेप जाता है तो आपके स्प्रिंग्स एंड गीजर्स वगैरह बन जाते हैं तो ये नेचुरोपैथी वगैरह बीमारी वगैरह सॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं जैसे कि इंडिया में बद्रीनाथ उत्तराखंड में नेच मतलब गीजर है वहाँ पे जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ोगे है ना? जियो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है टूरिस्ट सेंटर वगैरह बन जाता है बद्रीनाथ की बात वगैरह की थी हमने ठीक है येलो स्टोन नेशनल पार्क इस तरीके का तो इस तरीके से क्या रहता है इंजीनियरिंग पर्पस वगैरह में भी काम रहता है ठीक है क्रश रॉक्स वगैरह कंक्रीट सीमेंट के साथ मिल करके मोटार के साथ मिक्स करके कंक्रीट स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते हैं तो यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ लिया इनसाइड आउट अबाउट वॉल्निज्म इसके बाहर आई एश्योर यू वॉल्निज्म का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसको देखने के पहले इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट किया प्रीवियस लेक्चर्स देखो कल हम चली से को एक एंड सोनामी वाइंड अप करके हम स्टार्ट करेंगे जियोमोफोलॉजिकल लैंडफॉर्म जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा तो होपफुली दो से तीन क्लास में जियोमोफोलॉजी खत्म करके नेक्स्ट में भी हम क्लाइमेटोलॉजी शुरू किए थैंक यू